हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वोल्टेज क्या होता है तथा इसका क्या कार्य होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज की खोज किसने की थी। तो वोल्टेज की खोज एक इटालियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेसेंड्रो वोल्टा। अलेसेंड्रो वोल्टा, इन्होंने वोल्टेज की खोज की थी तथा इन्होंने ही सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज की थी। इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज की थी जिसका नाम वोल्टाइक पाइल के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं वोल्टेज की परिभाषा क्या होती है। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वोल्टेज एक बल लगाता है जिसके कारण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अतः हम दो लाइन में कह सकते हैं जब दो बिंदुओं के मध्य आवेश का अंतर होता है तो इसे वोल्टेज कहते हैं। अब वोल्टेज को हम एक इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो बाल्टी जिनका कनेक्शन एक पाइप के द्वारा किया गया है। एक बाल्टी में पानी ज़्यादा है तथा दूसरी में कम है। पानी जिस बाल्टी में पानी ज़्यादा है उससे पानी कम वाली बाल्टी में आएगा। क्या ऐसा कि प्रेशर के कारण हो रहा है? तो प्रेशर जो है वो वोल्टेज की तरह कार्य करता है, जो वाटर इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह कार्य करता है। तो पानी जब तक इस बाल्टी कम वाली बाल्टी में आएगा जब तक कि दोनों का लेवल समान नहीं हो जाता। इसी तरह वोल्टेज में भी होता है। अगर दो बिंदुओं के मध्य वोल्टेज समान है तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, इससे उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज की अगर यूनिट की बात करें तो वोल्टेज की जो यूनिट है वो वोल्ट होती है जो वी से प्रदर्शित किया जाता है। अतः वोल्टेज को वोल्ट में मेजर किया जाता है। अब देख लेते हैं वोल्टेज के कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। वोल्टेज को कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं एक सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। चलिए सीरीज कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सीरीज कनेक्शन जो होता है वो सीरीज में होता है। जैसे कि हमारे पास दो सेल हैं, इसका ये हमारे पास दो सेल, एक सेल का पॉजिटिव सिरा तथा दूसरे सेल का निगेटिव सिरा, ये सीरीज कनेक्शन हो गए। और इन दोनों माना ये 1.5 वोल्ट का है और ये भी 1.5 वोल्ट का है। अब इन दोनों सेल से हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया और दोनों का जो वोल्टेज है वो जुड़ जाएगा। 1.5 वोल्ट इसका तो 1.5 दोनों को जुड़ जाएगा, 3.3 वोल्ट हो जाएगा। और जो ये बल्ब है ये ग्लो करने का, अगर 1.1 सेल लगा है तो ये धीरे जलेगा और दो सीरीज में लगे हैं तो इस जो बल्ब है ये अधिक तीव्रता से ग्लो करेगा। अधिक तीव्रता तथा जो इसकी कैपेसिटी है वो उतनी, माना कि एक सेल से ये बल्ब एक घंटा जल रहा था तो ये दो सेल लगाने से भी एक घंटा जलेगा। लेकिन इसका मतलब है वोल्टेज हो वो तो बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा लेकिन कैपेसिटी जो है इसकी वो सेम रहेगी, कैपेसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो अब पैरेलल कनेक्शन की बात कर लें। पैरेलल कनेक्शन में जो हमने मान लें दो सेल देते हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल का पॉजिटिव से तथा दूसरा निगेटिव का निगेटिव से कनेक्ट कर दें। ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन और इसमें से एक बल्ब हम लगा देते हैं। अब जो इन दोनों इसका मान भी 1.5 वोल्ट, इसका मान भी 1.5 वोल्ट, तो जो वोल्टेज हो तो सेम रहेगा। मतलब इन दोनों सेलों का पैरेलल है इसलिए इनका जो वोल्टेज हो सेम रहेगा, 1.5 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी,
पहला पहले ये एक सेल से ये बल्ब एक घंटा ग्लो कर रहा था, तब दो लगने से जो ये है डबल हो जाएगा, 2 घंटे ग्लो करेगा रहता है। जो इसका वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट ही रहेगा। तो पैरेलल कनेक्शन में जो होता है तो उसमें जो वोल्टेज सेम रहता है लेकिन उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ जाता है लेकिन कैपेसिटी सेम रहती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही।